सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। कि भगवान के उत्सव में अगर हमारे बालक भाग लें तो भगवान की कृपा है, कोई आपके जीवन में परिवर्तन होगा, कुछ नयापन दिखेगा। भगवान की भक्ति सर्वोपरि है, चाहे वैष्णवों के घर में भगवान की भक्ति हो, चाहे दैत्यों के घर में भक्ति हो। दैत्य लोग भी भगवान की भक्ति किया करते थे, राक्षस लोग भी भगवान की बड़ी भक्ति करते थे। एक बार एक कलयुग भक्त भगवान ब्रह्मा जी के शरण में गया, किसी संत से पूछा, भाई आजकल ये बताइए कि कौन से देवी देवता हैं जो जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो किसी भक्त ने कह दिया कि वो तो ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी पर कहां रहते हैं? कि ब्रह्मा जी रहते हैं पुष्कर में, ब्रह्मा जी का एकमात्र स्थान पुष्कर में है, और ब्रह्मा जी का एक स्थान और है बरसाना में, जहां राधा रानी का महल बना है ना, वहां ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तो वो स्थल आज भी है, इसलिए उसका पर्वत का नाम है ब्रह्माचल पर्वत। आप जैसे ही सिंगापुर से ऊपर चढ़ते हैं बरसाने में, तो वहां ब्रह्मा जी का एक छोटा सा स्थान बना है, वहां बैठकर ब्रह्मा जी ने तपस्या की, और उस ब्रह्माचल पर्वत पर ही किशोरी राधा रानी उन महलों में निवास करती हैं, अपने भक्तों को देखती हैं, नजर रखती हैं, सबको देखती हैं। किशोरी राधा रानी, ऊंचा महल बरसाने वाली को, तो वो भक्त पहुंच गया ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी के पास साधना करने के लिए पहुंच गए, और उस भक्त ने ब्रह्मा जी की 3 महीने तक भक्ति की। कितने महीने? 3 महीने। 3 महीने भक्ति की तो ब्रह्मा जी सामने आ गए, प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने पूछा कि भाई बोल भक्त, क्या चाहते हैं? बोले प्रभु मुझे कुछ वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी कर, मैं तो वरदान देने के लिए बड़ा उत्सुक रहता हूं, जो वरदान मांग ले अभी मांग, और हां मैं तेरी पूजा से, उपासना से, जप से, साधन से बहुत प्रसन्न हूं, तूने 3 महीने तपस्या की है तो 3 वरदान मांग। अब वो कलयुग भक्त बड़ा चालाक था, उसने कहा ठीक है प्रभु, पहला वरदान तो मुझे ये दे दीजिए कि मेरे घर में कोई गृहिणी नहीं है, मेरा विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तथास्तु। दूसरा वरदान ये दे दो कि जब शादी हो जाएगी, विवाह हो जाएगा, तो रहने के लिए सुंदर मकान चाहिए, महल चाहिए, मेरा सुंदर बंगला बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तथास्तु। तीसरा वरदान ये दे दो, जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है जाओ तथास्तु। अब वो कलयुगी भक्त अपने घर पे आया, जहां झोपड़ी बनी थी वहां सुंदर महल बन गया, और सुंदर कन्या से विवाह हो गया, और बड़े आनंद से रहने लगा। एक समय बड़े जोर से आंधी और तूफान आया, आंधी तूफान आया तो उसके घर का पेंट रंग धुल गया। बाहर निकल करके देखा कि उस भक्त का सुंदर मकान जो बना था उसका पेंट धुल गया। फिर याद आया, यार मैंने तो ब्रह्मा से 3 वरदान मांगे थे। फिर ब्रह्मा जी के पास गए, हे ब्रह्मा जी आओ, हे ब्रह्मा जी आओ, हे ब्रह्मा जी आओ। ब्रह्मा जी फिर आए अपना कमंडल लेकर के। ब्रह्मा जी ने कहा भाई यहां पूछ, क्या कारण है, क्यों, किस लिए बुलाया? बोले प्रभु सबसे पहले तो ये वरदान दीजिए कि मेरे घर पे कभी भी बारिश ना हो। दूसरा वरदान ये दे दो कि आजकल मुझे खांसी जुखाम हो गया है, और खांसी जुखाम जिसको हो जाए उसको कोरोना का बड़ा लक्षण होता है, लोग दूर दूर भागते, जरा सी खांसी आ जाए, कोल्ड हो जाए तो कोरोना का बड़ा चक्कर।
तीसरा वरदान प्रभु ये दे दीजिए, जब चाहूं तब तीन वरदान और मांग लूं। ब्रह्मा जी ने कहा चाहो ठीक है, फिर अपने घर पे आ गया। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पत्नी ने कहा मुझे तेरे साथ नहीं रहना, तलाक चाहिए, लिख के दे। फिर उस वक्त को भगवान ब्रह्मा जी याद आए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुम्हारे घर का चक्कर है, तुम्हारे घर का आपस का मैटर है, तुम मुझे बीच में क्यों लेके आ रहे हो? उस कलयुग भक्त ने कहा प्रभु मैं ऐसे थोड़े लेके आ रहा हूं, मैंने तपस्या करी है 3 महीने, तपस्या करने का फल है, और आपने कहा था मेरे घर का मैटर तो आप ही सुलझाओगे ना, कोई और थोड़ी आएगा। ब्रह्मा जी ने कहा तो ठीक है कोई बात नहीं, क्या करना चाहते हैं? बोले मेरी पत्नी मुझे छोड़ के जाना चाहती है, प्रभु कोई ऐसी शक्ति की कृपा करो कि रुक जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और क्या चाहिए? बोले प्रभु ये वरदान दे दो दूसरा कि कभी हमें आपस में झगड़ा ना हो। ब्रह्मा जी ने क्षिप्र कहा तप तथास्तु, फिर कहा जब चाहूं 3 वरदान और मांग लूं। ब्रह्मा जी ने कहा भाई तू आदमी है पाजामा, जब देखो ब्रह्मा जी पुकार लेता है, तूने तो अपना मुझे नौकर बना लिया, 3 महीने मेरी तूने भक्ति क्या कर ली? आओ ब्रह्मा जी, खांसी भी हो जाए तो आओ ब्रह्मा जी, जुकाम भी हो जाए तो आओ ब्रह्मा जी, घर में बच्चा भी रोने लग जाए तो आओ ब्रह्मा जी। कहने का अभिप्राय यह है ब्रह्मा जी भागे भागे पहुंचे विष्णु जी के पास। विष्णु जी से कहने लगे हे प्रभु मेरे पीछे एक ऐसा भक्त पड़ गया है कि जा कुछ भी हो जाए तो आओ ब्रह्मा जी उसका समाधान करने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि मैंने उसको वरदान दिया है, वचन में बंध गया हूं, उस कलयुगी भक्त से मेरा पीछा छुड़ाओ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ब्रह्मा जी तुम्हें बड़ी जल्दी पड़ती है इन कलयुग के भक्तों को वरदान देने की, ये कलयुग के भक्त ऐसे हैं चढ़ाएंगे 1.25 रुपया और मांग रखेंगे 1.25 लाख की, इसलिए ऐसे भक्तों से दूर रहो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु अब तो जैसे तैसे बचा दो, ये भूत पीछे पड़ गया। तो भगवान विष्णु ने अपनी माया को भेजा और माया से कहा कि जाओ उस भक्त की बुद्धि पर बैठ जाओ, भक्ति का वरदान की मांग उससे करो। माया आई और माया ने उसकी बुद्धि पर आकर के पर्दा डाल लिया और सात्विक बुद्धि बन गई, भगवान की भक्ति का वरदान मांगा और ब्रह्मा जी को मुक्त किया और कलयुग में उस भक्त का कल्याण हो गया। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान की अगर भक्ति करते हैं तो भगवान पर तुम एहसान नहीं करते, तुम्हारा कर्तव्य है, फर्ज है। अगर कोई पुत्र पिता की माता की परिवार की सेवा करता है तो वो एहसान नहीं करता, कोई बहू अगर सेवा करती तो वो एहसान नहीं करती, वो उसका कर्तव्य है, उसका फर्ज है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।